हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज है 13 मई और अभी दोपहर के बज रहे हैं 2। आज ब्लॉग बहुत देर से स्टार्ट किया है और दोपहर के लंच वगैरह हो गए, थोड़ा सा सो भी लिया। अभी जस्ट थोड़ा पहले उठे हैं क्योंकि भाई कोई आ गया था। जैसे ही सोया था 15 मिनट ही हुआ था कि कोई आ गए थे तो उठा दिया गया, तो सारी नींद चौपट हो गई है। तो अभी दोपहर का ही टाइम है। आजकल मौसम ऐसा लग रहा है कि जैसे लग रहा बरसात का मौसम आ गया है, तो मई का महीना, लेकिन इस तरह रोज़ बारिश हो रही है, बाहर बादल ही हैं। लग ही नहीं रहा कि मई का महीना है। जैसे पहले होता था कि मई के महीने में लू चलती थी, एकदम सिर्फ मन करता था कि कोल्ड ड्रिंक पिया जाए, गन्ने का रस पिया जाए, शरबत पिया जाए, लेकिन ऐसा माहौल हो गया है, ऐसी मौसम हो गई है, ठंडा ही लग रहा है। कुछ ठंडा तो पीने का मन ही नहीं कर रहा है और ऊपर से तो कोरोना, कोरोना में तो ठंडा और भी नहीं कुछ पीने को मन कर रहा है। दवा लेने नाना का, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ख़त्म हो गई थी तो वही लेने आए हैं। और अभी थोड़ा बाहर है तो मास्क और रुमाल। सुहाना है, बादल, फिर रात में बारिश हुई है। ये देखिए मिट्टी, उसी दिन या पिछले वीडियो में आपने देखा था ट्रैक्टर फंस गया था, तो दो टाली मिट्टी ये सिर्फ आए थे, अब तो इधर पानी भर गया है तो इस वजह से मिट्टी निकल नहीं रही खेत से, तो दो ही टाली सिर्फ आए हैं, उसके बाद से बंद हो गया। अब देखते हैं बारिश अगर नहीं होगी एक दो दिन तो आएंगे। अभी तो शायद खेत में पानी हो गया, इसी वजह से सब खेत के होते हुए यहाँ आना पड़ता है ऐसे पूरा, क्योंकि आता है जो टाली मिट्टी लेकर खेत से ऐसे ऐसे करके, ये पूरा रास्ता है आने का। तो ट्रैक्टर जो पिछले वीडियो में आपने देखा था इस जगह पे फंस गया था, क्योंकि पानी वहाँ ज़्यादा लग जाता है खेत में, तो उसी वजह से अभी ट्रैक्टर आ नहीं पा रहा है। अभी तो बाहर है, मौसम काफ़ी अच्छा है, देखते हैं विकास क्या कर रहे हैं आज सुबह से। तो हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। ये देखिए बस मुर्गी को बांस पे चलते हुए आनंद ले रही है, और ये रहा मॉर्निंग का आज टाइम है, तो मौसम बहुत ही सुहाना। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरे घर के सामने हमने सब्जियां लगाए हैं, तो आज देखते हैं इसमें कुछ है या नहीं। आप लोग देख सकते हैं हम लौकी निकाल के खेत से अब जा रहे हैं कुंदरू लेने, तो कुंदरू देखते हैं मिलता है खेत में या नहीं। तो चलिए खेत तक पहुंचते हैं, तब तक बने रहिए। तो ये देखिए इतनी कुंदरू हम ले लिए हैं अपने ज़रूरत के लिए, कुंदरू लेने। और ये देखिए इतने अमाउंट में हमने कुंदरू ले लिया है, और चलते हैं अब घर। सो गाइस, अभी शाम के हुए हैं 7,
और आज घर पे बन रहा है ये पत्ता। जिसको यहाँ पे रिकोच भी कहते हैं। ये लेयर बाय लेयर पत्ता रखा जाता है और इसके बीच में बेसन का ये जो पेस्ट है वो लगाया जाएगा। उसके बाद इसको बॉइल्ड किया जाएगा। गाइस इस पत्ते को रोल करके इस तरह बना लिया जाता है। अब इसको कट करके ऐसे रखा जाएगा इसको बॉइल्ड करने के लिए। बॉइल्ड करने के लिए इसको भी इसका एक प्रोसेस है। फाइनली गाइस ये बनके तैयार हो चुका है। ये बॉइल्ड किया गया है, डायरेक्टली बॉइल्ड नहीं किया गया, इसको भाप से पकाया गया है। और इसको भाप से पकने के बाद तवे पे सेका गया है थोड़ा बेसन लगा के, तो काफ़ी अच्छा है। और ये काफ़ी ज़्यादा फाइब्रस होता है, इसको आप अच्छे से खा सकते हैं, कोई ये नुकसान नहीं होता है। और गांव में तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो पता ही होगा उनको कि इसको, ये बेसिकली अरवी ही होता है लेकिन ये दूसरे तरह का होता है। इसमें थोड़ा इसका जो पत्ता होता है उसमें थोड़ा दूध वाले पत्ते होते हैं। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा जल रहा है तो इसको बहुत आराम से खाया जाए।